टैक्सेस में खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी जो है 18% से घटा है, 5% हो गया है। क्या मल्टीप्लेक्स शेयर्स में कोई ट्रेड बनते हैं या फिर मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवी देख पॉपकॉर्न एंजॉय करना ही ठीक रहेगा? Once, I think I'll have to agree with your second view. That is perhaps a better way of spending your money, you know, with these. देखिए overall setup यहाँ भी अभी भी negative है. एक attempt हो रहा है PVR का, you know, rebound करने का. अगर मैं trend line draw करूँ तो just about, you know, जो इसका break, you know, breakout है उसके कगार पे है. But ये successful नहीं रहा है in the past. हो सकता है things might turn around. You know, एक अच्छा base बनते हुए नजर आया है 1380 जो है इसके आसपास. लेकिन मैं इस पे, you know, preempt नहीं करना चाहूंगा. तो मेरे लिए यहाँ पे, यू नो, जैसे कहते हैं दिल्ली थोड़ी दूर है, 1500 का जो लेवल है ये इसका नियर टर्म हाई भी है प्लस एक रेसिस्टेंस जोन भी है. इसको क्रॉस करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब मैं एक, यू नो, व्यू जो है मेरा चेंज करूंगा ऑन द बुलिश साइड. बट अप अंटिल देन मैं इसमें थोड़ा कॉशियस रहूंगा और मेरे लिए वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रहेगा. तो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में BSE लिमिटेड 3% की मजबूती, वहीं MCX पर 1 से 1.5% की तेजी, शार्प अप मूव इस वक्त नजर आ रहे हैं MCX BSE पर। संतोष, आपकी राय? यस, लग रहा है कि जो डेल्टा कॉप और नज़ारा का बिजनेस है शायद ऑप्शन में शिफ्ट होते हुए नज़र आएगा. इसी वजह से स्टॉक्स में आज बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है. और BSE के चार्ट में तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया. हम देख भी रहे कि सेंसेक्स के जो ऑप्शन है वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं फ्राइडे ऑप्शन एक्सपायरी के दिन. तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी वही इंडिकेट कर रहा है. लग रहा है कि ये स्टॉक 780-800 रुपये तक जा सकता है, तो यहाँ पर लॉन्ग साइड बैट किया जा सकता है. नीचे आप 700 का स्टॉप लॉस रखिए. सिमिलरली MCX में का भी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है. नीचे मुझे लग रहा है 500-1560 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा. ऊपर में 1660-1700 तक की तेजी देखने को मिल सकती है.